हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PET की परीक्षा 24 तारीख को पूरे प्रदेश में संपन्न कराई गई। सभी 75 जिलों में पेपर लीक हुआ। इसकी कई खबरें विभिन्न माध्यमों से चली हैं और कई लोग इसमें पकड़ाए भी गए हैं। अब पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ, इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। पूरे पेपर लीक, PET परीक्षा होगी निरस्त, दोबारा होगी परीक्षा। तो क्या ये खबर में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा होगा कि PET की परीक्षा एक बार फिर से होगी, या फिर आयोग PET का रिजल्ट जारी करके आगे की भर्तियां कराएगा? तो देखिए, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये खबर जो है न्यूज़18 उत्तराखंड की, जो ये पूरा लोगो लगाया गया है, ये पूरी तरह से ये खबर गलत है। ये जब आप न्यूज़18 या किसी भी न्यूज़ का देखेंगे, तो जिस मोड में लिखा गया है, इस मोड में किसी भी न्यूज़पेपर्स की नहीं रहती है हेडलाइंस। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अभी अध्यक्ष जी का बयान UPSC की तरफ से आया है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। फिर आपको बताएंगे क्या पेट की परीक्षा निरस्त हो सकती है या नहीं। तो ये अभी खबर है, देखिए, ये अमर उजाला की है। पर्चा लीक होने की अफवाह, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का PET का मामला, मंगलवार को हुई थी परीक्षा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड को मंगलवार को आयोजित हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पर्चा लीक होने की अफवाह, हालांकि बोर्ड ने प्रश्न पत्र लीक होने से इनकार किया है। मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का पर्चा लीक होने की अफवाह है। राज्य के 75 जिलों में कैमरों की निगरानी में यह परीक्षा पहली बार संपन्न हुई। कहा जा रहा है कि इसका पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। UPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायण सिंह ने इन अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो भी वायरल पेपर हैं, वह गलत और फर्जी हैं। सोशल मीडिया में जो पर्चा वायरल हो रहा है, वह गलत है। बता दें कि मंगलवार को ये परीक्षा दो पालियों में हुई थी, जिसमें 17.5 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो कुल मिला के ये इस खबर में सच्चाई है कि UPSC के माध्यम से अभी तक जितनी बातें कही जा रही हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ और ना ही परीक्षा आपकी रद्द होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, तो दोबारा परीक्षा किसी भी हालत में नहीं होगी। जो परीक्षा आपने दी है, उसके रिजल्ट की भी आयोग तैयारी करने लगा है। उसका रिजल्ट भी जल्द ही PET का जारी हो जाएगा। और परीक्षा लीक होने की बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, साथ ही आयोग ने भी अभी तक नहीं की। हाँ, रिजल्ट से संबंधित तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है और उम्मीद है कि आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जब पेपर आउट ही नहीं हुआ, तो परीक्षा किस बात की कैंसिल होगी? इन किसी भी बातों में कोई सच्चाई नहीं। अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप अपनी जो है मेंस की तैयारी करें, जो लेखपाल आदि भर्तियां आने वाली, उन सब की तैयारी में जुट जाएं। अफवाहों पर विशेष ध्यान ना दें। तो ये रही अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।